डेकोरम कार एक्सेसरीज रोहतक रोड वाली ब्रांच पे अगेन अपने पास है टाटा की पंच और ये रहने वाला है पंच का बेस मॉडल प्योर। गाड़ी का सारा कुछ काम जो है कंप्लीट हो चुका है। अगर हम लाइनअप वगैरह की बात करें तो आज हमारे पास करीब करीब 7 से 8 गाड़ियां जो है वो आई हुई थी और शाम का टाइम हो चुका है करीब करीब 9:30 बज रहे हैं। 3 गाड़ियां जो है करंटली अभी भी कस्टमाइज जो है वो यहाँ पे करी जा रही है, बाकी गाड़ियां जो है वो जा चुकी है। आज की इस वीडियो में हम पर्टिकुलर बात करने वाले हैं इस वाली गाड़ी की। बेस मॉडल प्योर है और गाड़ी का सारा कुछ काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। A to Z डिटेल में बताएंगे क्या कुछ अपडेट जो है इस वाली कार के अंदर किए गए हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कार के फ्रंट पोर्शन से तो लाइटिंग सेटअप के अंदर एक अच्छा अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक करेंगे फॉग लाइट जो है इस मॉडल के अंदर नहीं आती है। मिंडा वाली फॉग लाइट जो है वो इंस्टॉल करी गई है मिंडा की रिले वायरिंग के साथ और इसमें जो बल्ब लगाया गया है वो एक स्पेशल बल्ब है जो कि ऑल सीजन रहने वाला है। 3 कलर वाला जो बल्ब है वो इसके अंदर इंस्टॉल किया गया है। उसका आउटपुट वगैरह अभी आपको चेक करवाने वाले हैं। बाकी हेडलाइट में लगाई गई है अपनी 200 वॉट की हेडलाइट LED जिसका रिस्पांस अभी आपको दिखाते हैं। ऊपर की तरफ आप देखो कि पार्किंग बल्ब को चेंज किया जा चुका है। DRL लाइट जो है वो लगाई गई है जो कि डुअल पर्पस में रहने वाली है। इंडिकेटर DRL दोनों पर ही अपना वर्क करती है। अगर हम बात करें लाइटिंग सेटअप के रिस्पॉन्स की क्योंकि 200 वॉट की लाइट लगाई गई है इसकी हेडलाइट के अंदर और ट्रिपल कलर की फॉग लाइट के अंदर LED जो है वो रहने वाली है जो कि ऑल सीजन रहती है। सामने रिस्पॉन्स आप चेक करेंगे, सबसे पहले लाइटें मैं ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पे आप चेक करोगे ऑफ कंडीशन में और ऑफ कंडीशन में आप देखोगे यहाँ पे सारी स्ट्रीट लाइट जो है वो रनिंग कंडीशन में जल रही है। यहाँ पे बोर्ड पे अपने लाइटें जो है वो पूरा ऊपर जो है वर्क कर रही हैं, मतलब इतना अच्छा खासा उजाला जो है वो आपको सामने देखने को मिल रहा है। सबसे पहले मैं ऑन करता हूँ इसकी फॉग लाइट तो यहाँ पे इसका एक वाइट कलर में आप आउटपुट जो है वो चेक कर सकते हो। बंद करके दोबारा ऑन करूंगा तो ये येल्लो कलर के साथ वर्क करेगी और येल्लो की इंटेंसिटी कितनी है वो आप सामने जो है वो देख सकते हो, मतलब कि दूर तक का फोकस आपको मिल जाएगा। सर्दियों में यूज़ करोगे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। दोबारा से बंद करके ओपन करेंगे तो ये वॉर्म वाइट जलेगा जो कि मिक्सचर होता है वाइट और येल्लो का, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये तो बात हो गई फॉग लाइट की, ये अपना अगेन वाइट हो गया है। अगर हम बात करें हेडलाइट की तो 200 वॉट की हेडलाइट के अंदर LED बल्ब का जो इंस्टॉलेशन है वो रहने वाला है और रिस्पॉन्स की अगर हम बात करें तो ये रिस्पॉन्स आपके सामने है, मतलब कि दीवार देख सकते हो आप बिल्कुल प्रॉपर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी पीछे वाली जो कि काफ़ी अच्छी डिस्टेंस पे जो है वो रहने वाली है। और मेन चीज़ काफ़ी अच्छी लाइटिंग आपको रोड पर देखने को मिल जाएगी, उसके बावजूद रिस्पॉन्स बहुत ज़बरदस्त जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो लगाई गई है हेडलाइट के अंदर LED बल्ब जो कि आपको मैंने चेकआउट करवा दिया है। इसके अलावा DRL लाइट जो है वो इंस्टॉल करी गई है अपनी जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। DRL लगाई गई है जिसमें आपको पार्किंग बल्ब का जो यूज़ है वो देखने को मिल जाएगा। दोनों सेटअप LED बेस्ड हो चुका है। इंडिकेटर DRL दोनों पर ही अपना प्रॉपर वर्क करने वाला है। इसके बाद दोस्तों एक हॉर्न के अंदर अपडेट जो है वो भी किया गया है। डुअल टोन वाले हॉर्न जो है वो लगाए गए हैं इस वाली कार के अंदर जो कि अपना क्रेटा स्टाइल रहने वाले हैं। साउंड आउटपुट की अगर हम बात करें कैसा कुछ रिस्पॉन्स आएगा तो आप सुन सकते हैं यहाँ पे, तो कुछ तरीके का साउंड का आउटपुट जो है वो अपना रहने वाला है। अगर हम बात करें साइड वाले पोर्शन से कि यहाँ पे क्या कुछ अपडेट किए गए हैं, सबसे पहले ग्लॉसी किट लगाई गई है 10 पीस की आती है। 2 पीस आपको इसके हेडलाइट वाले पार्ट के ऊपर, 2 पीस आपको इसके आउटसाइड रियर व्यू मिरर के ऊपर। यहाँ पे अपने डोर हैंडल चेक कर सकते हैं, रियर डोर हैंडल की प्लेसमेंट यहाँ पर, टेल लाइट वाला पोर्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं। कंप्लीट का साइड व्यू जो है वो आप यहाँ पर चेक करें एक फ्रेम में किस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है। व्हील कवर नहीं आते हैं, व्हील कवर इंस्टॉल किए गए हैं जो कि फुल ब्लैक में रहने वाले हैं। ऑप्शन है आपके पास, आप डुअल टोन की तरफ भी जा सकते हो जैसे कि उस वाली गाड़ी के अंदर इंस्टॉल किया गया है। बाकी आप चेक करो कि लोअर गार्निश लगाई गई है 8 पीस में रहने वाली है। 1, 2, 3 और 4 पीस इस साइड में आपको मिल जाएगा, 4 पीस जो है उस तरफ रहने वाला है। टोटल 8 पीस में रहेगी। आपके पास ऑप्शन 6 पीस वाला भी है, आप 3 पीस इस साइड में लगवा सकते हो, 3 पीस उस साइड में, तो ऑप्शन आपके पास सारे मिल जाएंगे जिस तरीके का आप काम करवाना चाहते हैं अपनी कार के अंदर। जैसे कि एक और चीज़ लगाई गई है, गैलियो वाले डोर वाइजर है प्रॉपर क्रोम लाइन के साथ में, ये भी यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं। इसमें आपके पास बेसिक रेंज आती है 500 रुपीज़ की, आप चाहो तो वो भी लगा सकते हो। क्रोम लाइन में बेसिक रेंज की बात करें 850 रुपये की कॉस्टिंग में आपको मिल जाते हैं, मतलब ऑप्शन आपके पास सारे मिल जाएंगे। ऊपर की तरफ आते हैं, यहाँ पे रूफ रेल का जो इंस्टॉलेशन है वो किया गया है जो कि ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के साथ आपको देखने को मिल जाएगा और ये भी काफ़ी अच्छे फिट फिनिश के साथ आपको मिल जाती है और बहुत सारी वीडियो में दिखा रखा है। प्रॉपर इसको पकड़ के आप शेक कर सकते हैं, कहीं भी कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली। 1500 रुपये कॉस्टिंग में इसको इंस्टॉल किया गया है। पीछे की तरफ आते हैं, शार्क फिन टाइप रेडियो एंटीना जो है वो इंस्टॉल किया जा चुका है जो कि अगेन ग्लॉसी ब्लैक की फिनिश के साथ रहने वाला है। ये अगर आप वर्किंग करवाते हो तो 850 की कॉस्टिंग में आपको ये है वो मिल जाएगा। अगर नॉन वर्किंग कराते हो तो आप इसको डमी भी लगवा सकते हो, आपके पास ऑप्शन मिल जाता है। नीचे आते हैं तो यहाँ पे अपना कैमरा है, उसकी प्लेसमेंट आपको देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे आप जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों बूट ओपन करता हूँ, इसके अंदर भी आपको एक लाइट जो है वो देखने को मिल जाती है जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर भी एक बूट लाइट का जो इंस्टॉलेशन है वो किया गया है। बेसिकली लाइट जो है इसमें 4 लगाई गई हैं, 2 आगे के 2 दरवाजों में जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। एक तो मैंने आपको बूट में दिखा दी है, 2 पीस आपको दरवाजों में मिल जाएंगे आगे के, 1 पीस इस साइड में, 1 ड्राइवर साइड में आपको मिल जाता है। 1 पीस का जो इंस्टॉलेशन है को ड्राइवर में किया गया है। बाकी आप चेक करोगे तो 1 पीस आपको ग्लॉव बॉक्स के अंदर भी देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। 4 पीस की किट जो है वो लगाई गई है इस वाली कार के अंदर जो कि अपना कंप्लीट पेडल लाइट सेटअप कहलाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें कार के इंटीरियर की तो कंप्लीट कार का जो इंटीरियर है वो अगर आप चेक करोगे तो आपको डुअल टोन के फिनिश के साथ मिल जाता है। चेरी और ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है दोस्तों ये लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, काफ़ी अच्छा इसका लुक आउटपुट आता है।
और ज़्यादातर वीडियोज़ के अंदर आपने यही कॉम्बिनेशन जो है वो भी देखा होगा। हम बात करें सबसे पहले सीट कवर्स की, तो फुल बकेट वाले अपने जो सीट कवर्स हैं वो यहाँ पर इंस्टॉल किए जा चुके हैं, जो कि आप चेक कर सकते हो किस तरीके की फिर फिनिश के साथ आपको देखने को मिल जाएंगे। ये जो सीट कवर लगाए गए हैं सबसे हाई एंड रेंट वाले रहने वाले हैं, यानी कि 6500 रुपये कॉस्टिंग में जो है वो रहते हैं। ये चेरी वाले जो सीट कवर हैं इसको आप 3500 में भी लगवा सकते हो, 5500 में भी लगवा सकते हो और 6500 में भी लगवा सकते हो। डिफरेंस आएगा क्वालिटी का। ये लेमिनेशन कपड़ा रहने वाला है, जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। हालांकि टच एंड फील करोगे तभी आपको मालूम पड़ेगा एक्चुअल डिफरेंस क्या है और दोनों के बीच में फ़र्क क्या है। तो ये 6500 वाले सीट कवर जो है वो लगाए गए हैं। बाकी दरवाज़ों पे आप देखोगे तो यहाँ पे अपना कंप्लीट दरवाजे के ऊपर आपको इंसर्ट मिल जाएगा। अब क्योंकि ये बेस मॉडल था तो इसमें आपको ये वाला जो पोर्शन मिलता है ना वो मिलता है कंप्लीट वाइट फिनिश के साथ। इसके ऊपर जो है कंप्लीट यहाँ पे अपहोल्स्ट्री वर्क जो है वो किया जा चुका है, इंटीरियर बेसिकली बनाया गया है। अंदर वाले पोर्शन पे आप चेक करोगे यहाँ पे इंटीरियर वर्क आपको मिल जाता है। डैशबोर्ड के बड़े वाले पीस पे आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर भी आपको इंटीरियर वर्क देखने को मिल जाएगा। अगर दोस्तों हम बात करें स्टीयरिंग व्हील की, तो डुअल टोन स्टीयरिंग रैप किया गया है जिसमें आपको मून डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। ब्लैक और चेरी कलर कॉम्बिनेशन जो है वो यहाँ पर यूज़ किया जाता है। अगर हम देखें तो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि रहने वाले हैं टाटा जेन्युइन। प्रॉपरली आपको वर्किंग देखने को मिल जाएगा। स्क्रीन यहाँ पे ऑफ करी हुई है, इसको ऑन कर देते हैं तो ये अपना वॉल्यूम चेक कर सकते हो, माइनस हो रही है, वॉल्यूम चेक कर सकते हो, प्लस हो। म्यूट अनम्यूट का बटन वर्क करेगा और अपने बीटी वगैरह के सारे बटन आपको प्रॉपरली वर्किंग देखने को मिल जाते हैं। ये ग्लॉसी ब्लैक फ्रेम के साथ जो है इसका यहाँ पे इंस्टॉलेशन किया गया है और ओवरऑल लुक आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं किस तरीके का आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इस वाली कार के अंदर K4 वाली एक एम्बिएंट लाइट जो है वो भी इंस्टॉल करी गई है, जो कि 6 पीसेज में रहने वाली है। अगेन 4 पीस आपको दरवाजों के अंदर मिल जाएंगे, 4 दरवाजों में एक पीस है और 2 पीस का जो इंस्टॉलेशन है वो अपने डैशबोर्ड के ऊपर जो है वो किया गया है। इसमें खासियत क्या है K3 और K4 के अंदर वो आपको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट में कर देता हूँ। ये भी आपने सामने जो है वो K4 देख रहे हो। जैसे ही आप इसको ऑन करोगे, यानी कि मैं इसको बंद कर देता हूँ, चाबी निकाल दी मैंने, जैसे ही मैं चाबी यहाँ पे इंसर्ट में करता हूँ और यहाँ पे आप इसका सबसे पहले एक इंप्रेशन चेक करिए किस तरीके का आपको देखने को मिल जाएगा। इसको वेलकम फीचर जो है वो कहा जाता है, जो कि रेनबो मोड के साथ आएगा। उसके बाद जिस भी कलर में चाहो, जिस भी आपको सिंगल कलर में यूज़ करना है सिंगल कलर में आप यूज़ कर सकते हो। सिंगल कलर का मतलब ये है कि सिर्फ एक कलर के साथ जो है अपना जलेगी, जो कि मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। एक सिंगल कलर के साथ ये बहुत सारे मोड आते हैं इसमें, ये सिंगल कलर हो गया, मतलब कि रेड में हो गया। चाहे तो आप मल्टीपल कलर के अंदर लगा सकते हो, इस तरीके से डॉट मोड है, फ्लो मोड है, ये अपना रेनबो मोड, इस तरीके के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। बट K3 में अगर आप जाते हो तो सिर्फ और सिर्फ सिंगल सिंगल कलर मिलेगा, यानी कि रेड चूज़ करोगे रेड ही रहेगा, ब्लू चूज़ करोगे तो ब्लू रहेगा। तो ये हो गई बात अपनी K4 एम्बिएंट लाइट की, 6 पीस में रहेगी, 2-4 पीस दरवाजे और 2 पीस आपको डैशबोर्ड के अंदर मिल जाएंगे। अगर हम दोस्तों बात करें स्टीरियो सेटअप की, तो स्टीरियो लगाया गया है इस वाली कार के अंदर। कस्टमर अपना जो है पहले से एक स्टीरियो जो है वो लेकर के आए हुए थे, क्योंकि उनकी पुरानी गाड़ी के अंदर लगा हुआ था, तो वही स्टीरियो यहाँ पे हमने लगा दिया है। बट हमने कुछ चीज़ें जो है वो लगाई हैं, लाइक इसका पंच का जो फ्रेम है वो इसमें नहीं आता है, मतलब वो स्टीरियो के साथ लेकर के नहीं आए थे, तो फ्रेम लगाया गया है, वायरिंग करी गई है, तो वो चीज़ जो है एड ऑन रहने वाली है। ऊपर आओगे तो यहाँ पे बल्ब जो है वो चेंज किया जा चुका है, इसमें आता है हैलोजन बल्ब, LED बल्ब जो है वो लगा दिया गया है। अच्छा, स्टीरियो की अगर हम बात करें तो स्टीरियो के आपके पास कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, आप स्टीरियो जो है वो लगा सकते हो। ये वाला कैसा कुछ रिस्पॉन्स कर रहा है वो आप यहाँ पर देख सकते हो, इस तरीके की आपको जो है वो देखने को मिल जाती है डिस्प्ले, इस तरीके का जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है इसका इंटरफेस। कैमरा लगाया है हम लोगों ने, कैमरे का रिस्पॉन्स कैसे कुछ आने वाला है अगर हम उसकी बात करें तो, कैमरे का आउटपुट जो है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। AHD विजन कैमरा जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ जो है वो अपना रहने वाला है। अब यहाँ पर क्या और अपडेट किए गए हैं उसकी अगर हम बात करें, तो सबसे पहले आप चेक करोगे पंच की प्रॉपर बैजिंग के साथ वेलकम प्लेट आपको मिल जाने वाली है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। फ्लोर के ऊपर फ्लोरिंग करी गई है क्रोकोडाइल वाली, जो कि कॉस्ट करती है अपनी 2000 रुपीज़ की। SIPL प्रो वाले अपने मैट जो हैं वो लगाए गए हैं, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ रहते हैं, लॉन्ग लास्टिंग मैट कहा जाता है इनको। एक बार आप इसको डलवाइए और अपना लॉन्ग लास्टिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सीट कवर की बात कर चुके हैं, एक आमरेस लगाया गया है जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। ये आमरेस रिकमेंडेड नहीं होता बिकॉज ऑफ ये हिलता है बहुत ज़्यादा, जैसे कि अभी आपको मैं दिखाता हूँ तो ये अपना शेक कर रहा है, लेकिन हाँ आपकी रिक्वायरमेंट तो आप इसको लगवा सकते हैं। वुडन वाले आमरेस्ट की बात करें तो वो भी अपने पास अवेलेबल मिल जाते हैं, बट वो लिमिटेड स्टॉक के साथ आते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ये है कि कभी मिलता है कभी नहीं मिलता। बाकी बात की जाए अगर, तो यहाँ पे आप चेक करोगे एक सेंटर लॉकिंग का अपडेट किया गया है फ्लिप की के साथ। सेंटर लॉकिंग में फ्लिप की इस तरीके से वर्क करेगी, 3 बटन आपको मिल जाएंगे, एक लॉक का है, एक अनलॉक का। सेंटर वाले बटन से आप म्यूट लॉक अनलॉक कर सकते हैं। टाटा का लोगो है, RD की प्रॉपर बैजिंग के साथ जो है अपना ये रहने वाला है। तो ये हो गई बात कंप्लीट। गाड़ी का इंटीरियर व्यू किस तरीके का है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। K4 के साथ बहुत ज़बरदस्त आउटपुट आपको देखने को मिल जाएगा। स्पीकर्स जो है वो लगाए गए हैं पाइनियर के, फ्रंट में कंपोनेंट रहेंगे, पीछे डोर्स में क्विजर स्पीकर्स लगाए गए हैं। और इस वाली गाड़ी के अंदर टाटा जनरल पावर विंडोज़ का जो इंस्टॉलेशन है वो किया गया है, जो कि आप चेक कर सकते हो। ड्राइवर साइड से ही आप पावर विंडोज़ को जो है रियर में ऑपरेट कर पाएंगे। यहाँ पर विंडो डाउन हो रही है और विंडो अप हो रही है, प्रॉपर वर्किंग आपको देखने को मिल जाता है। तो ये लगाई गई है और इसमें एक चीज़ होती है, जैसे कि जब आप पंच का बेस मॉडल खरीदते हैं तो उसमें रियर में जो पावर विंडो नहीं मिलती है आपको, वहाँ पे मिलता है, यहाँ पे एक हैंडल मिलता है जिसे आप मैनुअल विंडो को ऑपरेट कर सकते हैं।
तो यहाँ पे जगह जो है खाली बच जाती है। अगर आप पावर विंडो नहीं लगाते तो हम इस पर टिकली लगा देते हैं। अगर आप चाहो तो ट्विटर भी ऐड करवा सकते हो, जैसे इस वाली कार के अंदर किया गया है। ट्विटर लगा दिए गए हैं पीछे, दो ट्विटर की प्लेसमेंट आपको देखने को मिल जाएगी, दोनों दरवाजों में जो है वो रहने वाली है। और पीछे से भी आप प्रॉपरली जो है इसको ऑपरेट कर सकते हैं। अभी ऑपरेट नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ इसका जो विंडो लॉक का फीचर है वो एक्टिवेटेड है। इसको मैं एक बार ऑफ करता हूँ तो यहाँ पे आप चेक करोगे ये मैंने ऑफ कर दिया। अब मैं आता हूँ दोबारा से पीछे की तरफ और यहाँ पे आप देखोगे विंडो प्रॉपर वर्किंग आपको देखने को मिल जाएगी। डाउन हो रही है, विंडो अप हो रही है, ये अपना प्रॉपर फंक्शनिंग आपको देखने को मिल जाता है। तो ये सब अपडेट जो है वो किए गए इस वाली कार के अंदर। मूव करते हैं कार के ओनर की तरफ। तो दोस्तों कार की सभी एक्सेस मैंने आप लोगों को दिखा दी है, मिलते हैं कार के ओनर से और जानते हैं कैसा कुछ फीडबैक आता है। तो आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सर नाम बताइए अपना। मेरा नाम मनीष भट्ट है। और भाई आपका नाम? विनय कुमार। विनय कुमार, कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? फरीदाबाद। फरीदाबाद से। तो यहाँ के बारे में आपको कैसे पता चला? YouTube के माध्यम से, वीडियोस वगैरह देख करके। वीडियो। तो YouTube पे आप एक आइडिया पूछूं, कितने टाइम से फॉलो कर रहे होगे? मतलब ये लगा लो तकरीबन एक डेढ़ महीना हो गया। एक डेढ़ महीना। मतलब मेरे हिसाब से गाड़ी तब तो आपने परचेज भी नहीं करी। परचेज भी नहीं करी थी, तकरीबन एक हफ्ते पहले ही गाड़ी परचेज करी है अभी। ठीक है। और हम एक डेढ़ महीने से वीडियो देख रहे हैं आपकी। तो बेसिकली वीडियोस आप देख रहे होगे तो मैं जहाँ तक जानता हूँ कि आपने और लोगों की वीडियोस भी देखी होगी। तो वहाँ ना जाकर के आपको यहाँ पर आना, मतलब कुछ खास वजह बताइए कि क्या? एक्चुअली फिट एंड फिनिश जो है ना मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। जो आप बताते हो एक एक डिटेल वीडियो में, जो प्राइस बताते हो ना, हाँ जी, कि ये 1500 रुपये का है तो 1500 का ही यहाँ पर मिला हमें। ठीक है। तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ लगी हमें। तो मतलब जो प्राइसिंग वगैरह बताई गई सब कुछ आपको यहाँ पर जेन्युइन मिली जो वीडियोस में बताई गई। बिल्कुल। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, हाँ, कि यहाँ पर आने का मतलब है कि थोड़ा सा टाइम लेके आए, क्योंकि है अगर आपको अच्छा काम चाहिए तो टाइम लगेगा। मतलब जो वर्क है थोड़ा सा टाइम टेकन रहता है। बट ये कंफ्यूजन ना हो कि मैं जाऊंगा और एक घंटे में हो जाएगा, बट वो टाइम लेके आए अगर अच्छा काम कराना है तो। हाँ, तो ये कहीं और जाके एक घंटे में काम करा के आप जा सकते हैं। जैसे कि अभी आपने कहा कि टाइम थोड़ा सा आपको, यानी कि जाहिर सी बात टाइम आपने सोचा कम होगा, लेकिन ज्यादा टाइम लगा है, जो मैं समझ पा रहा हूँ। तो ये जो टाइम आपने यहाँ पे टाइम का यूटिलाइज भी पूरा हुआ है, मतलब ऐसा तो नहीं वो टाइम वेस्ट था? बहुत अच्छी है, फिनिशिंग अच्छी है। ठीक है। मतलब कम्प्लीट जो भी टाइम आपने दिया वो आपको यूटिलाइज कम्प्लीटली हो गया है। नंबर देना हो सारे काम को 10 में से कितने नंबर आप देना चाहेंगे? 10 out of 10 कम्प्लीट नंबर। ठीक है सर। कभी किसी को रिकमेंड करना हो तो रिकमेंड? यस श्योर, ये लेके आएंगे कभी अपनी गाड़ी। अच्छा, तो भाई टेस्टिंग पे आए हुए थे अभी? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी। अब सर बजट की बात की जाए, क्या बजट में गाड़ी काम हो गया अपना? 6500। तो वर्थ लगा सारा? जो की टाटा मोटर में कुछ भी नहीं मिल रहा था उसमें। सही कहा, मतलब गाड़ी जो देखने लायक आपको अच्छा मन मुताबिक तैयार हो गई है। चलिए सर, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत बहुत वैल्यूबल है और आप यहाँ तक आए, इसके लिए बहुत धन्यवाद।